अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो चलिए कर देते हैं आज के व्लॉग को शुरू। और आज जो हम बनाने वाले, आज हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं, कश्मीरी फिश रेसिपी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कश्मीर में कैसे बनाते हैं फ़िश की रेसिपी। उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बीन्स है, साग है, अनियन है, टोमेटो है, लोट्स ये होता है स्टेम, लोट स्टेम, और क्या होता है, लहसुन होता है, अदरक होता है, बहुत ज़्यादा मसाले भी उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे बनती है। तो चलिए चलते हैं किचन में और कर देते हैं अपनी रेसिपी को शुरू। तो पहले हम करेंगे फ़िश को साफ़, उसके बाद इसको धोएंगे। अब हम सब्जियों को कट करेंगे। पहले हम रेडिश को कट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोट स्टेम को कट कर देते हैं। तो चलिए अब हम टमाटर को कट कर देते हैं। ग्रीन चिलीज को कट करेंगे, इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज भी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कश्मीर में फिश कैसे बनाते हैं, इसमें कितनी सब्जियां डालते हैं, उसके बाद कैसी बनती है। तो अब हम साग को कट करते हैं और लहसुन को। अब हम अनियन को कट करेंगे। तो ऑयल किया हमने गरम, अब हम इसमें डालेंगे फिश फ्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा ही गरम हो गया है ऑयल, लाओ यार, शायद टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है, जल नहीं जाती है। ये कुछ टिप है अगर आप तेल में पहले नमक डालते हो। बनी क्या टिप, साफ करके दो गोल से दो कर इन्हें बॉयल कर रखा है, उसके बाद फ्राई करेंगे। और क्या है, अभी फ्राई रखने फ्राई पर हमने रखे इनको। यहाँ से हमने हल्दी वाली फिशेज को है वो फ्राई करने के लिए रखा है। यहाँ से हमने जो है टमाटो और चिलीज को कट करके रखा है, और ये अनियन, और कुछ इसमें बीन्स भी डालते हैं, लेकिन आज हमें बीन्स नहीं, मैं वरना बीन्स। इसे आप देखोगे जो साग काफ़ी जो है ज़बरदस्त दिख रहा है। इसको जो हमने गर्म पानी में जो पहले धो के रखा है, ठीक है, और इसमें जो है ये आपको लहसुन भी इसमें जो हमने इसी में रखा है, ठीक है। इसे हमने एक बर्तन लिया है, इसमें जो हमने क्या किया है, जिनको नदरा या लोटस कम कहते हैं, और जो हमने इसमें जो है रेडिश जो है वो डाले हल्दी वाले पानी में, और उसमें हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है ताकि इसमें टेस्ट आए, ठीक है, नमक इसमें आ जाए। तो उसको हम उबालेंगे, होगा ये वाला स्टेप, ठीक है।
तो पहले हमने बॉईल किया वाटर, वाटर में हमने थोड़ा टर्मरिक ऐड किया, टर्मरिक ऐड करने के बाद हमने इसमें यस बेबी इसके बाद हमने इसमें लोटस सीड्स ऐड किए और रेडिश ऐड किया। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिर्च के पास मिर्च। जी जी ज़रूर जैनू दूंगी मैं। इसमें हमने चिलीज ऐड की, रेड चिलीज। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। इलायची, ग्रीन इलायची, लौंग। एक तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। ये क्या है? इलायची। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिश मसाला भी ऐड किया। करी लीव्स करेंगे ऐड और बड़ी इलायची दो तीन। अब हम ऐड करेंगे दालचीनी, नमक ऐड करेंगे एज पर योर टेस्ट। जीरा करेंगे ऐड, सौंफ पाउडर भी इसमें हम ऐड करेंगे। अब फिश मसाला भी अब हमने ऐड किया इसमें, गरम मसाला भी ऐड किया और कुछ घर में बनाया है मिक्स मसाला वो भी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा बहुत। मसाले भी ऐड किए, नमक, मिर्च, हल्दी ये भी ऐड किया और सब्जी थोड़ी बहुत ऐड की, अभी बाकी वाली ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे साग। देखोगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ये ज़बरदस्त टेस्ट देता है, ठीक है? तो हम इसमें ये भी ऐड करेंगे। आप देख सकते हो जो इसमें जो बच गया था ऑयल, ठीक है, उसमें मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ की जो है प्याज डाली है। ये देखिए ये अच्छी ब्राउन होनी चाहिए। इसके बाद जो है हम इसको जो है वेजीज में डालेंगे, जो वेजीज हमने रखी है हम उसी में ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो है मिर्च, ये जो हमने पहले जो है वेजीज रखी थी, अब इसी में हमने जो है क्या स्मेल जो है हमने वेजीज के ऊपर जो है इसके बाद हम ये फिश ऐड करेंगे, ठीक है? जब इसके ऊपर हम मसाला जैसे अब हम इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी भी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि जो मसाला है ना ये इसमें चल। इसमें जो है छोटा सा जग हमारे पास है, उसके साथ जो है ना ये आप देख सकते हो ज़बरदस्त। इसके ऊपर जो है लास्ट पे हम इसको टमेटोज जो है ना फ्राई करके डालेंगे। अभी क्यों नहीं डालते? क्योंकि इससे जो है ना ये गल नहीं जाती, ठीक है, फिर ऐसी रह जाती है। तो दैट इज़ वाई कि ज़बरदस्त। ये जो है टमेटोज में मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो है वो नमक डाला था। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा लग गया है नीचे, बट एनीवेज ये देख सकते हैं। अब हम जो है टमेटोज को जो है वो फिश में डाल देंगे, ठीक है? अभी हम इसमें थोड़ा सा जो है वो मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी जो हल्दी, और मैंने इसमें नमक पहले से ही डाला है, देख सकते हो नमक डाल रखा था। अब जो है मैंने इसमें मिर्च और हल्दी जो है एक एक चम्मच जो है वो इसमें डाल दिया है। जो टमेटो डाल दिए और 15 मिनट के लिए जो है हम इसको दम पे रख दिया था और आप देख सकते हो इसने ऑयल जो है वो छोड़ दिया, ठीक है?
जबरदस्त। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म फिश रेसिपी तैयार, और ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, ज़बरदस्त। ये है कश्मीरी फिश रेसिपी, और कश्मीर में इसको बोलते हैं गाढ़ा। बहुत ही अमेजिंग बनी है ये देखिए। तो चलिए व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे, एंड आई होप आप सबको मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। कैसी थी कश्मीरी फिश रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे YouTube व्लॉग को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।